हेलो फ्रेंड्स बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लेडीज़ का फुल ब्लाउज बनाकर बताऊंगी इसमें मैंने थ्री प्लाई की ऊल यूज की हुई है ये मैंने इसमें दो तरह की सिलाई यूज की है नौ नंबर की बॉर्डर में और उसके ऊपर आठ नंबर की सिलाई तो फ्रेंड्स आप अपनी ऊल के हिसाब से सिलाइयाँ यूज कीजिएगा और मैंने जिस तरह से इसमें फंदे डाले हैं तो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से अपनी ऊल के हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा रख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप इस ब्लाउज को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस ब्लाउज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इसमें मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं की है सारी चीज़ें बताई हुई हैं तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी मैंने इस ब्लाउज को सीधी और उल्टी सिलाइयों पर बनाया हुआ है अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सीख लेते हैं इस स्वेटर को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट को मैंने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है से मैंने यहाँ पर पचहत्तर फंदे यानी सेवेंटी फाइव फंदे डाल लिए हैं और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है बॉर्डर बीस सिलाई का बनाया है इसके बाद में हमने दस फंदे पहली सलाई में जो सीधी सिलाई बनाएंगे उसमें मैंने दस फंदे बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पर पाँच से सात फंदे छोड़ने के बाद में एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक फंदा बीच में फिर से पाँच सात फंदे का गैप देते हुए मैंने यहाँ पर दस फंदे एक ही सिलाई में बढ़ा लिए हैं इसके बाद में सभी सिलाइयों को हमने सीधा और उल्टा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अब आप इसकी लंबाई देख सकते हैं इतनी बनाकर मैंने सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है इस ये जो लंबाई बनेगी ये आपके हाइट के हिसाब से बनेगी इसके बाद में अब हम यहाँ पर शोल्डर की घटाई करेंगे तो ये हमारा बैक पार्ट है तो राइट साइड से जब हम शोल्डर को घटाना शुरू करेंगे तो इस साइड से राइट right साइड में घटाएंगे और इस साइड में हम रॉन्ग साइड में घटाएंगे दोनों साइड से शोल्डर को घटाते हुए हमें कंप्लीट करना है तो आइए सीखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसके मैंने फंदे किस तरह से डाले हैं इस तरह से सिंगल धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से डबल कर लेंगे जितना भी आपको फंदा डालना है उस तरह से आप डबल कर लीजिएगा अब यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए एक फंदा हम इस तरह से डाल देंगे एक फंदा हमारा बन चुका है अब इसी तरह से हम सभी फंदों को डाल लेंगे ये देखिएगा इस तरह से दूसरा फंदा बन गया फिर से इस सलाई को हम फंदे में इस तरह से फांसेंगे और इस तरह से निकाल देंगे बहुत ही आसानी से ये फंदे पड़ जाते हैं और जो पहली सिलाई आती है वो सीधी की साइड की आती है तो इस तरह से हम सभी फंदों को डालकर कंप्लीट कर लिया है मैंने ये देखिए इस तरह से और देखिए फ्रेंड्स इसके बॉर्डर में मैंने नाइन नंबर के नीडल यूज़ की है और इसके ऊपर मैंने एट नंबर यानी आठ नंबर की सिलाई यूज़ की हुई है ये जो ऊल है ये थ्री प्लाई की ऊल है ये देख सकते हैं आप लेकिन ये ऊल काफ़ी मोटी है तो मैंने यहाँ पर आठ नंबर की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं ये देखिएगा थ्री प्लाई की ऊल है और इसके बॉर्डर में मैंने नाइन नंबर की नीडल यूज़ की है अब देखिएगा फ्रेंड्स मैंने बॉर्डर किस तरह से बनाया है दो सिलाई में मैं आपको बॉर्डर बनाकर बता देती हूँ ये टेन फंदे मैंने डाल लिए हैं पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे पहले फंदे को आप सीधा भी बना सकते हैं उल्टा भी बना सकते हैं अब ये देखिएगा जो सीधा फंदा बनेगा वो हम बैक साइड से लेंगे इस तरह से सिलाई डालेंगे बैक साइड से और इस तरह से फंदे को लेते हुए सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा जो फंदा उल्टा बनाएंगे वो नॉर्मल उल्टा ही बनेगा धागा बैक करेंगे सीधे वाले फंदे को बैक साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बना लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा जो सीधा फंदा बनाएंगे उसमें हम बैक साइड से ही सिलाई डालेंगे देखिए इस तरह से ये हमारी पहली रो है और इसी तरह से हमें दूसरी सिलाई को भी बना लेना है जो फंदा उल्टा है उसे हम इस सिलाई में उल्टा अपनी साइड को इस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से दिखेगा ये फंदा सीधा दिख रहा है बैक साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा बैक करेंगे बैक साइड से सिलाई डालते हुए एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा बैक करेंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इस पंदे को सीधा बना लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बैक साइड से सिलाई डालते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे तो इसी तरह से हमने इन दो सिलाई के बॉर्डर को बनाकर एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए बीस सिलाई का हमने ये बॉर्डर बनाया हुआ है यानी ट्वेंटी सिलाई हमारी बॉर्डर में है तो इन्हीं दो सिलाई को रिपीट करते हुए ये बॉर्डर आप जितना बनाना चाहते हैं उतना ही बनाइएगा ये मैंने काफ़ी चौड़ा बनाया हुआ है आप चाहें तो हल्का सा कम कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने जितनी लंबाई बनाकर रखी है उतना मैं आपको बता देती हूँ ये देखिएगा साढ़े दस इंच मैंने ये देख लीजिएगा साढ़े दस इंच की लंबाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब यहाँ पर हम शोल्डर की घटाई करना शुरू करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पहली सिलाई है और यहाँ पर अब हम पांच फंदे बंद करेंगे तो देखिएगा बैक साइड से इस तरह से सिलाई डालेंगे या आप एक फंदा इस तरह से बुन लीजिएगा पहला फंदा हमने इस तरह से बुन लिया अब दूसरे फंदे को भी इसी तरह से बुनेंगे ये देखिएगा इस तरह से अब ये पीछे वाले फंदे को हम, हम इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से अब फिर से एक फंदा बुनेंगे इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे एक फंदा हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है जितनी बार हम इसके ऊपर से निकालेंगे एक फंदा हमारा बंद हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे दो फंदे बंद हो चुके हैं तीन एक फंदा बुनेंगे चार फिर से एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे पांच फंदे हमारे यहाँ पर बंद हो चुके हैं आप यहाँ से काउंट भी कर लीजिएगा एक दो तीन चार पाँच और ये वाला जो फंदा है इसी सिलाई में रहने देंगे और ये सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये पूरी सिलाई हमें इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर, कर लेनी है ये राइट साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में तो रॉन्ग साइड की सिलाई में हम इस साइड में शोल्डर को घटाएंगे तो देखिएगा एक फंदा पहले बुनेंगे दूसरे फंदे को भी इस तरह से बुन लेंगे अब देखिए जो पहला फंदा है इसके ऊपर से निकाल देंगे जितनी बार हम इस फंदे को इस तरह से क्रॉस करेंगे एक फंदा हमारा बंद हो जाएगा तो देखिए एक फंदा बंद हो चुका है एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे को पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे दो तीन एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे चार लास्ट का ये फंदा पाँच ये पांच फंदे हमारे यहाँ पर बंद हो चुके हैं अब देखिएगा इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला हुआ है तो ये पूरा हम इसी तरह से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे ये हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई है तो रॉन्ग साइड की सिलाई को हम उल्टा बनाते हैं तो उल्टा बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई को बुनते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं अब इस फंदे को लास्ट के फंदे को हम बिना बुने हम इस तरह से इस सिलाई में उतार लेंगे अब देखिएगा इस फंदे को हम फिर से उतार लेंगे और ये बुने हुए फंदे को बुनेंगे इस तरीके से अब ये वाला जो फंदा है इस फंदे को हम इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे बुने हुए वाले फंदे के ऊपर से अब देखिएगा एक फंदा हमारा बंद हो चुका है एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे दो फंदे हमारे बंद हो गए हैं एक फंदा और बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारे तीन फंदे इस सिलाई में बंद हो चुके हैं अब इस पूरी सिलाई को हम सीधी सलाई इस तरह से बनाते हैं इसी तरह से बनाते हुए इस सलाई को हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाले फंदे को इसी तरह से उतार लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई राइट साइड के हमने बनाकर कंप्लीट कर ली जो लिए लास्ट का फंदा है इसी हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे इस सिलाई में अब यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड की सिलाई में आते हैं तो राइट साइड की सिलाई में हमने तीन फंदे घटाए थे तो यहाँ पर हमें तीन फंदे इस साइड में भी घटाने हैं जितने फंदे एक साइड में घटेंगे उतने ही फंदे दूसरी साइड में घटेंगे तो इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे अब इस फंदे को बुनेंगे अब यहाँ पर हम तीन फंदे घटाएंगे तो देखिए एक दूसरा फंदा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे दो फिर से एक फंदा बुनेंगे इसके ऊपर से निकाल देंगे तीन तीन फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं अब इस पूरी सिलाई को बुना उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम उतार लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई बुनते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं अब इस लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे अब यहाँ पर हम एक फंदा ये देखिएगा इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे इस वाले फंदे को बुन लेंगे अब इसके ऊपर से एक फंदे को पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बंद हो चुका है अब इसके बाद में पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेंगे हेड साइड की सिलाई को बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेंगे इस सिलाई में भी हमने उतार लिया है और रॉन्ग साइड की सिलाई में भी इस फंदे को हम बिना बुने ही उतार लेंगे अभी इस फंदे को हम बुनेंगे इस तरह से और ये पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे तो एक फंदा बंद हो चुका है अब पूरी सिलाई हमें रॉन्ग साइड की उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आर्म होल घटकर कंप्लीट हो चुके हैं दोनों साइड में मैंने बराबर फंदे घटाए हैं पहले पाँच फंदे घटाए फिर तीन फंदे घटाए फिर एक फंदा घटाया इस तरह से हमारे ये आर्म होल घटकर कंप्लीट हो चुके हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स आर्म होल की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है और इसकी जो घटाई जो मैंने की है जो जो फिनिशिंग आई है उसकी ये कुछ इस तरीके से आई है ये देखिए यहाँ पर फोल्ड हो जाती है लेकिन जब इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसकी जो दोनों साइड की घटाई है वो आपको इस तरह से दिखेगी और इसकी जो लंबाई एक दो सिलाई कम पड़ेगी वो हम बाद में बना लेंगे अब इसके दोनों फ्रंट पार्ट हम तैयार करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स जितने फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं उसके आधे फंदे हम एक पार्ट में रखेंगे और आधे फंदे दूसरे पार्ट में रखेंगे और पांच फंदे हम बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे तो उसी तरह से मैं फंदे डाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई में हमने चवालीस फंदे यानी फोर्टी फोर फंदे डाल लिए हैं अब इसमें हम बॉर्डर को बनाना शुरू करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी बीस सिलाई में हमारा ये बॉर्डर बनकर कम्प्लीट हो चुका है ये देखिए बटन होल इस साइड में है और ये हमारी राइट साइड की सिलाई होगी अब ये फ्रंट साइड में रहेगा और ये बैक साइड में रहेगा दोनों साइड में बॉर्डर एक जैसा बना हुआ है लेकिन ये सीधी साइड है अब यहाँ पर देखिएगा नाइन नंबर की निडल हम निकाल देंगे और एट नंबर की निडल को यूज़ करेंगे बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो इसके ऊपर हम एट नंबर की निडल लगाएंगे और ये जो सीधे सीधे फंदे बनाएंगे इसमें हम पांच फंदे बीच में बढ़ाएंगे और इस साइड में हमारी बटन पट्टी रहेगी नाइन फंदे की तो ये देखिएगा इसी सिलाई में हमें फंदे बढ़ा लेने हैं तो ये कुछ फंदे हम पाँच से छः फंदे साइड में बुनेंगे सीधे सीधे जो सीधा फंदा है उसे भी सीधा बनाना है जो उल्टा फंदा है उसे भी हमें सीधा बना लेना है देखिएगा इस तरह से तो ये इतने फंदे हमने बुन लिए हैं अब यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है तो ये देखिए पूरी सिलाई में हमें पाँच फंदे बढ़ाने हैं और बैक साइड में आप दस फंदे बढ़ाएंगे ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया अब ये पूरे इसी तरह से हमें फंदों को बढ़ाते हुए चलना है बीच बीच में पाँच से छः फंदे बुनेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम सीधी जो फंदे हैं उसी में एक फंदा बढ़ाएंगे तो नीचे की साइड से एक फंदा उठाएंगे और इसे हम सीधा बुन देंगे इस फंदे को बुन लेंगे अब चार से पांच फंदे फिर से बुनेंगे यहाँ पर हमने दो फंदे बढ़ा लिए हैं इस तरह से अब इस फंदे में हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे तो ये तीन फंदे हमारे बढ़ गए अब दो फंदे हमें और बढ़ा लेने हैं इसी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स एक फंदा हम पर उठाएंगे और इस तरह से अब ये चार फंदे हमारे बढ़ चुके हैं एक फंदा हम और बढ़ाएंगे देखिए एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो ये पूरे पांच फंदे हमने एक साइड में बढ़ा लिए और दूसरे पार्ट में भी हमने पांच फंदे बढ़ाए हैं अब देखिए ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं तो नाइन फंदे हैं दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ तो अब इन फंदों को हम बॉर्डर की तरह ही बनाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा तो ये बटन पट्टी के फंदे हैं ये चार फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं और देखिए एक दो तीन चार पाँच इस साइड में पाँच फंदे हैं अब यहाँ पर हम फिर से बटन होल को कट करेंगे तो देखिए इस तरह से हम एक बार धागा को लपेट लेंगे और देखिए इस फंदे ये वाला फंदा जो है ये उल्टा फंदा है तो यहाँ पर हम इन दो फंदे का एक फंदा करेंगे देखिए इस तरीके से आप चाहें तो एक बार इस तरह से और लपेट लें और इस तरह से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर से धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे फंदे भी बढ़ चुके हैं और ये बटन होल भी कट हो, हो चुका है अब जो ये रॉन्ग साइड की सिलाई आएगी इसी हम सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा ये नाइन फंदे की जो बटन पट्टी है इन्हें हम इसी तरह से दोनों साइड में बुनेंगे ये देखिए ये जो हमने बटन ओल कट किया है ये वाला फंदा है तो इसे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा ये नौ फंदे हमें इसी तरह से बुन लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और लास्ट का नौ अब जो ये सभी फंदे हैं इन्हें हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे इस तरीके से तो सीधे सिलाई पर सीधी सिलाई उल्टी सिलाई पर उल्टी सिलाई और जो बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें हम सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनेंगे और जो ये बटन होल है ये आप निश्चित दूरी पर कट कीजिएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी मैंने शोल्डर की जहाँ से हम घटाई करना शुरू करेंगे वहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है तो एक बार इसकी हम लंबाई आपको माप के दिखा देते हैं ये देखिएगा हम सिलाई के ऊपर रखेंगे और इस तरह से मैंने ये देखिएगा ग्यारह इंच से थोड़ा सा ऊपर है साढ़े दस के आसपास मैंने इसकी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है अब इसकी हम आर्म होल की कटिंग करेंगे इस साइड में और इस साइड में हम नेक की कटिंग करेंगे वी सेप का नेक बनाएंगे इसमें और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स मैंने चार बटन होल बना लिए हैं एक बॉर्डर के ऊपर मैंने बनाया है दो तीन चार और जो पाँचवा बटन होल बनाऊँगी वो मैं नेक के साथ जब नेक घटाऊंगी तभी बनाकर कम्प्लीट कर लूँगी तो देखिए फ्रेंड्स बटन पट्टी इस साइड में है और इस साइड से हम आर होल की कटिंग करना शुरू करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे एक दो दो फंदे बुन लिए पहले वाले फंदे को हम दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे एक फंदा बंद हो चुका है दूसरे फंदे को बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे जितने फंदे हम इसके ऊपर से निकालेंगे उतने फंदे बंद हो जाएंगे तो देखिए दो एक फंदा बुन लिया तीन चार पाँच इसके ऊपर से निकाल देंगे ये पांच फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए अब ये पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है और इसी सिलाई में हम बटन होल की कटिंग करेंगे तो इस सिलाई को मैं यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ अब देखिए फ्रेंड्स हम बटन पट्टी के फंदों के पास आ चुके हैं तो देखिए धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इस तरह से हमने बुन लिया अब इस साइड में एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे बचे हुए हैं तो देखिएगा इस सिलाई में हम एक दो, दो बार धागा लपेट लिया है और इन दो फंदों को सीधे वाले फंदे को उल्टे वाले फंदे को दो फंदे का अपनी साइड को दो का एक कर लेंगे देखिएगा अगर आपका यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा है और ये वाला फंदा उल्टा है तो आप इसे बैक साइड में इस तरह से देखिए इस तरह से एक बार इस तरह से लपेट लेंगे और दूसरी साइड को इस तरह से इस तरीके से अगर आपका ये वाला फंदा सीधा है लेकिन ये वाला फंदा जो दूसरा फंदा है ये मेरा उल्टा फंदा है तो मैं इस साइड के लिए दो फंदे का एक फंदा करूँगी अगर आपका ये वाला सीधा फंदा है तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा और यहाँ पर मेरा ये वाला फंदा सीधा है पहला फंदा और दूसरा फंदा उल्टा है तो इसे हम एक बार और दो बार इस तरह से लपेटने के बाद में यहाँ पर इस साइड में दो फंदे का एक फंदा कर लूँगी अब सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया अब देखिए रॉन्ग साइड में हम इसे किस तरह से बुनेंगे ये फंदा उल्टा बनाएंगे धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड ये लपेटा हुआ फंदा है और ये वाला फंदा सीधा था तो देखिए इसे हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे इस साइड को तो आगे की साइड में ये सीधा बनने लग जाएगा और ये जो हमारा बटन होल मैंने कट किया है ये लास्ट बटन होल है तो यहाँ पर पांच बटन होल बनकर कंप्लीट हो चुके हैं अब देखिए उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा सीधे फंदे पर सीधा फंदा इसी तरह से हम बटन होल सॉरी बटन पट्टी को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे अब इस साइड में हमारी बटन होल कट हो चुके हैं अब इस सिलाई को हम पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है जो ये लास्ट का फंदा है इसे हम बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे और इस तरह से इस सिलाई में आ जाएंगे अब यहाँ पर हम तीन फंदे बंद किए करेंगे तो देखिए ये बिना बुना हुआ फंदा है इसे हम स्लिप कर लेंगे फिर से हमने स्लिप कर लिया इसे अब देखिए एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे जितनी बार हम इन फंदों को निकालेंगे उतने फंदे बंद हो जाएंगे एक दो तीन ये तीन फंदे हमने फिर से बंद कर दिए अब इस पूरी सिलाई को बटन पट्टी के फंदों तक बुनकर आएंगे और यहाँ पर हम नेक की घटाई करना शुरू करेंगे तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स राइट साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब यहाँ पर देखिए ये बटन पट्टी के फंदे हम इस साइड में छोड़ देंगे और इसके बाद में ये दो फंदे हमारे इस साइड के हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक ये वाला सीधा फंदा है ये वाले दोनों फंदे सीधे हैं जिस तरह से ये वाले फंदे हैं सीधे तो इन दो फंदे का हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे सीधे इस तरह से यहाँ पर हमने नेक की घटाई करना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर हमने दो फंदे का एक फंदा कर लिया है अब बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिएगा ये जाली के ऊपर वाला फंदा है इस तरह से अब ये सीधा फंदा बनने लग गया जाए देखिए ये बटन होल भी कट हो चुका है और ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने नेक की घटाई करना शुरू किया है तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो पूरी हमें उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है अभी हम यहाँ पर आर्मोल की कटिंग कर रहे हैं तो इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे ये देखिए रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब इस लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे अब यहाँ पर हम एक फंदा और घटाएंगे यहाँ पर पहले मैंने पाँच फिर तीन अब यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे तो देखिए इस वाले फंदे को हमने फिर से स्लिप कर लिया रॉन्ग साइड में भी स्लिप कर लेना है और राइट साइड में भी स्लिप कर लेना है अब एक फंदा इस तरह से बुनेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरीके से अब ये पूरी सिलाई हमें सीधा सीधा बना लेनी है और जो बटन पट्टी के फंदे से दो फंदा पहले हम दो का एक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे नेक की घटाई शुरू हो चुकी है तो उसे हमें घटाते हुए चलना है ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर, कर लिए अब देखिएगा ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इस साइड में छोड़ेंगे ये फंदे सीधे हैं एक और ये दो इन दो फंदे का देखिए धागा हमारा बैक साइड में है इन दो फंदों में हम आगे से सिलाई डालते हुए दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरीके से अब धागा अपनी साइड करते हुए बटन पट्टी के फंदे बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई अब हमें बना लेनी है आर्म होल की कटिंग हो चुकी है तो यहाँ पर हमें कोई भी फंदा ना तो स्लिप करना है और ना ही घटाना है तो इन्हें हम सिंपल बुनकर कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड की सिलाई को ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है लास्ट वाले फंदे को भी हमें इस तरह से बुन लेना है अब सीधी की साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है इस तरह से बुन लेना है ये देखिए आरमोल की जो कटिंग है वो हो चुकी है अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं घटाना है इस सिलाई को हम बनाकर यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर एक फंदा दो का एक करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब ये बटन पट्टी के फंदे यहाँ पर छोड़ेंगे और ये दो फंदे का एक फंदा करेंगे ये जो फंदा हम घटा रहे हैं नेक की साइड में ये तीसरा फंदा है पहला फंदा घटाया फिर रॉन्ग साइड की सिलाई बुनी दूसरा फंदा घटाया रॉन्ग साइड की सिलाई बुनने के बाद में राइट साइड की सिलाई में हमें केवल इन फंदों को घटाना है तो यहाँ पर मैंने तीसरे फंदे को दो का एक कर लिया है अब जो ये बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें हम सीधे फंदे पर सीधा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए इस पूरी सिलाई को कम्प्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई बना लेते हैं फिर यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा करना बताएँगे देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद में राइट साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पर देखिए बटन पट्टी से दो फंदा पहले दो फंदे का हम एक फंदा कर लेंगे ये हमारी चौथी टाइम है जो हम दो फंदे का एक फंदा किया है अब यहाँ पर हमारे चार फंदे घट चुके हैं और सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बटन पट्टी के फंदे हमें इसी तरह से बनाते हुए चलना है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिफ्थ टाइम यानि पाँचवीं बार दो फंदे का एक फंदा करूँगी ये देखिएगा बटन पट्टी के फंदों से पहले दो फंदे का हम इस तरह से लेंगे आगे साइड से सिलाई डालते हुए दो फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे इस तरीके से अब उल्टे फंदे पर उल्टा सीधे फंदे पर सीधा फंदा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नेक की जो घटाई की है यहाँ पर मैंने लगातार पांच फंदे राइट साइड में घटा लिए हैं अब यहाँ पर हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है फिर राइट साइड की सिलाई में आएंगे तो यहाँ पर हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि हमने लगातार पाँच फंदे घटा लिए हैं फिर राइट साइड की सिलाई को जब हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड की सिलाई भी उनका आएंगे राइट right साइड की सिलाई में आएंगे तब हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे यानी हमें जो ये एक राइट right साइड की सिलाई बनाएंगे उसमें हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है जब अगली सिलाई में आएंगे राइट right साइड में तब हम यहाँ दो फंदे का एक फंदा करेंगे अब हम राइट right साइड की एक सिलाई का गैप देते हुए इन फंदों को घटा कर कम्प्लीट करेंगे लगातार हमने पाँच फंदे घटा लिए हैं अब हम एक सिलाई का गैप देंगे राइट right साइड की सिलाई में ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद में राइट right साइड की सिलाई में है यहाँ पर हमें दो फंदे का एक फंदा करना है लेकिन हम यहाँ पर इस सिलाई में नहीं घटाएंगे एक एक फंदा करके बुन लेंगे ये देखिएगा इस तरह से इस फंदे में हमें दो फंदे का एक फंदा करना था लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं घटाया है ये सिलाई हमने पूरे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है इसी सिलाई को हमें गैफ देना है एक सिलाई का हम गैप देते हुए अब सभी फंदों को घटाकर कंप्लीट करेंगे अगली राइट साइड की सिलाई में आएंगे तब हम इसमें फंदा घटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम राइट साइड की सिलाई में हैं तो यहाँ बटन पट्टी के फंदों से पहले दो फंदे का एक फंदा करेंगे जो पिछली राइट साइड की सिलाई थी उसमें हमने कोई भी फंदा नहीं घटा लेकिन यहाँ पर अब हम दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे अब यहाँ पर इन फंदों को सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाएंगे और देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई राइट साइड की सिलाई रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे तीन सिलाई बना लेंगे जब चौथी सिलाई में आएंगे राइट साइड की सिलाई में तब हम फिर से दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे तो इसी तरह से हमें लगातार घटा लेना है मैं घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो शोल्डर पर कितने फंदे रखने हैं और बटन पट्टी की जो फंदे हैं वो तो बटन पट्टी में रहेंगे शोल्डर में हम कितने फंदे रखेंगे ये मैं आपको इनकी घटाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंदा और हमें घटाना है तो मैंने सोचा एक साथ बता देती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले लगातार पाँच फंदे घटाए फिर एक सिलाई का गैप देते हुए हमने एक फंदा घटाया फिर यहाँ पर हमने एक रॉन्ग साइड एक राइट साइड एक रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए अब हम यहाँ पर राइट साइड की सिलाई में हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमने ये दो फंदे का एक फंदा कर लेना है अब देखिएगा फ्रेंड्स जितने फंदे आपको शोल्डर पर रखने हैं उतने आप रख सकते हैं यहाँ पर मेरे पच्चीस फंदे हैं तो अगर मुझे इसमें कम करना होगा तो यहाँ पर मैं दो फंदे का एक फंदा कर लूँगी अगली सिलाई में तो यहाँ पर चौबीस फंदे रह जाएंगे अगर आपको पच्चीस फंदे ही रखने हैं तो आप यहाँ से घटाई करना बंद कर दीजिएगा और जो इसकी जो लंबाई है उसे बनाकर कर कर लीजिएगा तो देखिए इतनी लंबाई जो है वो बन चुकी है अब इतनी ही और रह गई है तो मैं इसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर हमने फंदे घटाकर आपको बता दिए हैं यहाँ पर मैंने टोटल देखिए लगातार हमने पाँच फंदे घटाए फिर एक फंदा फिर यहाँ पर एक फंड यानी यहाँ पर हमने सेवन फंदे घटाए हुए हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने नेक की घटाई करके कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर हमने पच्चीस फंदे छोड़े थे लेकिन हमने तीन फंदे और घटा लिए हैं तो यहाँ पर हमारे बाईस फंदे हैं और ये बटन पट्टी के फंदे हैं तो यहाँ पर हमारे इस तरह से फंदे घटकर कंप्लीट हो चुके हैं और ये नेक हमारा घटकर कंप्लीट हो चुका है अब जितने फंदे हैं बटन पट्टी के फंदे और ये बाइस फंदे इन्हें हम इसी तरह से सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे इसकी लंबाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है अगर दो चार सिलाई कम होगी तो हम उसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे अब हम आपको इस साइड में राइट साइड में नेक की घटाई किस तरह से करनी है आरमोल की घटाई किस तरह से शुरुआत करनी है ये बता देते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज का राइट पार्ट है इसमें हम रॉन्ग साइड से आरमोल की घटाई करना शुरू करेंगे और राइट साइड से नेक की घटाई करेंगे तो देखिएगा जब हमने लेफ्ट पार्ट में आर्मोल की कटिंग की है तो राइट साइड से कटिंग होती है इस साइड से और जब राइट पार्ट में करेंगे, तो रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड की सिलाई से यहाँ पर हम घटाई करना शुरू करेंगे तो देखिएगा हम यहाँ से जो आरमॉल की कटिंग है उसे स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स एक पंदा बुनेंगे और ये दूसरा फंदा बुनेंगे दो फंदे बुनने के बाद में जो पहला फंदा है इस फंदे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे जिस तरह से हमने लेफ्ट पार्ट में कटाई की है उसी तरीके से हमें राइट पार्ट में कर लेनी है तो देखिएगा दो फंदे का हमने एक फंदा कर लिया फिर से हमने एक फंदा बुन लिया अब इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे तो ये हमारे दो फंदे यहाँ पर बंद हो जाएंगे फिर से एक फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकालेंगे जितनी बार हम इसे इसके ऊपर से निकाल देंगे उतने फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक दो तीन फंदे घटा लिए हैं चार पाँच पाँच फंदे बंद कर लिए हैं अब यहाँ पर हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और इस साइड में बटन पट्टी के फंदे सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर, कर लिए अब आते हैं राइट right साइड की सिलाई में तो यहाँ पर हम पहला फंदा उल्टा बनाएंगे दूसरे फंदे को सीधा यानी ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद में जो सीधे फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा बनाते हुए इस साइड में आएंगे ये राइट right साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर, कर ली अब देखिएगा ये लास्ट का फंदा है इसे हम बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में तो यहाँ पर हमने एक बार पांच फंदे घटा लिए हैं अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे इस फंदे को बुनेंगे यहाँ पर हम तीन फंदे बंद करेंगे एक फंदा बुन लिया इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे फिर से एक फंदा बुनेंगे इसके ऊपर से निकाल देंगे दो फंदे बंद हो चुके हैं फिर से एक फंदा बुन लिया और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे यहाँ पर हमारे तीन फंदे बंद हो चुके हैं अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद में हमने ये राइट साइड के बटन पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें बनाकर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो नेक की घटाई है वो करना शुरू करना है तो यहाँ पर देखिएगा पहले पाँच फंदे घटाए फिर दो तीन फंदे घटाए पहले पाँच फंदे फिर तीन फंदे पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए अब यहाँ से हम नेक की घटाई करना शुरू करेंगे तो देखिए धागा बैक करेंगे और इस फंदे को हम इन दोनों फंदों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरीके से पलट लिया दोनों फंदों को अब दोनों फंदों को हम इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इन फंदों को सीधा बना लेंगे इसी तरीके से आपको सभी सिलाइयों में घटा लेना है इस तरह से हम लगातार पांच फंदे लगातार घटाएंगे। इसके बाद में इस साइड में हम बाईस फंदे छोड़ेंगे और बाकी के फंदे हम इसी तरह से घटा कर कम्प्लीट करेंगे एक एक सिलाई छोड़ने के बाद में लगातार हमें पांच फंदे घटा लेना है तो देखिए इस तरीके से हम इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं केवल राइट साइड की सिलाई में ही हमें दो फंदे का एक फंदा कर लेना है ये सिलाई हमने राइट साइड की बुनकर कंप्लीट कर ली है अब जो ये लास्ट का फंदा है इसे हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में यहाँ पर हम एक फंदा घटाएंगे और ये आरमॉल की कटिंग जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को आप इस तरीके से भी बुन सकते हैं एक ये स्लिप किया हुआ फंदा है और एक ही बुनने वाला फंदा है तो इन दोनों फंदों को हम लेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से भी आप फंदों को बंद कर सकते हैं अब हम इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस सिलाई में हमें जो ये रॉन्ग साइड की सिलाई है इसमें नेक की घटाई बिल्कुल नहीं करनी है केवल हम राइट साइड की सिलाई में ही नेक की घटाई करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट साइड की सिलाई में बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद में देखिएगा अब हम यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा करेंगे तो देखिए इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे इन दोनों फंदों को हम इस तरह से पलट लेंगे अब धागा बैक करेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेते हुए बैक साइड से दो का एक कर लेंगे केवल हमें राइट साइड में ही इन फंदों को घटाना है तो ये दूसरा फंदा हमने घटा कर कम्प्लीट कर लिया है अब आरमोल की साइड में हमें, हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है और इस तरह से हमें सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेना है राइट साइड की सिलाई देखिए बटन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं धागा बैक करेंगे इन दोनों फंदों को हम इस तरह से पलट लेंगे इन दोनों फंदों को हमने पलट लिया है अब बैक साइड से सिलाई डालते हुए दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से अब पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तीन फंदे हमने घटा कर हम गटा कर लिए हैं इसी तरह से हमें दो फंदे और घटा लेने हैं ये राइट साइड की फोर रो है तो यहाँ पर देखिएगा जिस जिसमें मैं चौथी बार पंदा घटाऊँगी तो देखिए इन दोनों पंदों को हम इस तरह से पलट लेंगे धागा बैक करेंगे दोनों पंदों को बैक साइड से सिलाई डालते हुए दो का एक कर लेंगे चार पंदे यहाँ पर बंद हो चुके हैं घट चुके हैं और नेक की हमारी घटाई शुरू है ये देखिए फ्रेंड्स राइट साइड की फिफ्थ रो है जिसमें हम पाँचवीं टाइम दो फंदे का एक फंदा करेंगे तो देखिए इन दोनों फंदों को लेंगे दोनों को इस तरह से पलट लेंगे इन दोनों फंदों को पलटने के बाद में देखिएगा गई इन दो फंदों को लेंगे धागा हमारा बैक साइड में है दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे देखिए हमने लगातार राइट साइड की सिलाई में पांच फंदे घटा लिए हैं अब ये जितने भी फंदे इस साइड में हैं तो यहाँ पर हम बाईस फंदे इस साइड में छोड़ देंगे और जितने भी फंदे बचेंगे चार या पाँच उन फंदों को राइट साइड की एक सिलाई का गैप देते हुए यानी रॉन्ग साइड की सिलाई बुन लेनी है फिर राइट साइड की सिलाई बुन लेनी है फिर रॉन्ग साइड की सिलाई बुन लेनी है जब हम राइट साइड की फोर्थ सिलाई में आएंगे यानी राइट साइड की जब अगली सिलाई में आएंगे तो हम यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे इसी तरह से आपको जितने फंदे बचेंगे यहाँ पर इस साइड में बाईस फंदे छोड़ने के बाद में चार फंदे बचें या पाँच फंदे बचें उन फंदों को आपको राइट साइड की एक सिलाई का गैप देते हुए घटा कर कम्प्लीट कर लेना है मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी भी लंबाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और बैक पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है तो देखिए जरा फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ की हम जो ये लंबाई है इसे नाप के दिखा देते हैं तो सलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इंची टॉप को इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पर देखेंगे ये देखिए साढ़े आठ इंच की ये लंबाई जो है मैंने कंप्लीट कर ली है दोनों पार्ट में और इसी तरह से हम ये देखिएगा बैक पार्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है अब देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये आर्म होल की साइड ये बैक पार्ट की है और ये फ्रंट पार्ट के है ये राइट right साइड है और ये राइट right साइड है इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम पकड़ लेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो ये दोनों साइड के फंदे हैं यहाँ पर ये बाईस फंदे हैं तो इसके भी हम बाईस फंदों को आप काउंट करके मार्क भी लगा सकते हैं देखिएगा इस साइड का धागा जो फ्रंट पार्ट का धागा है वो इस साइड में था तो हमने यहाँ पर ये बॉर्डर के फंदे बुनकर धागा हमने ये बीच में कर दिया है साइड में नॉट लगाओ तो अच्छी नहीं लगती है बाहर निकल जाती है तो मैंने इसे बीच में कर दिया है अब यहाँ पर हम इसे कट करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे और देखिए ये बैक पार्ट का जो धागा है वो इस साइड में है तो इससे हम इन फंदों को बंद करना शुरू करेंगे तो देखिएगा एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेते हुए और इस धागे को इस साइड से लाते हुए दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे यहाँ पर हम तीसरी सिलाई को लगा रहे हैं आप और किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हैं ये मैंने टेन नंबर की सिलाई ली हुई है तो इससे हम बंद कर देंगे अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा लूज रखिएगा और इस वाले फंदे को और इस फंदे को दोनों फंदों को लेंगे दो का एक कर देंगे देखिए इस तरह के से, और इस वाले फंदे को जो पीछे फंदा है इसे हम इसके ऊपर से निकाल देंगे फिर से इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे एक इस सिलाई का और एक इस सिलाई का दोनों फंदों को लेकर दो का एक करेंगे इन फंदों को छोड़ देंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से निकालते जाएंगे तो इसी तरह से आपके बराबर फंदे बंद होंगे बाईस फंदे हैं तो बाईस फंदे हम इस साइड के बंद करेंगे जो बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें हम छोड़ देंगे तो मैं इन फंदों को बंद कर लेती हूँ इस तरीके से जैसे मैंने इन पंदों को और ये वी सेप का नेक किस तरह किस से बनाना है स्टेप बाय स्टेप लेटीज कोटी में बताया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सीख सकते हैं उसमें मैंने अलग अलग पार्ट में बताया हुआ है तो देखिए इस तरह से हम इन पंदों को बंद कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी फंदे हमने बंद कर लिए हैं अब देखिएगा यहाँ पर एक फंदा है यहाँ पर नाइन फंदे हमारे बटन पट्टी के होने चाहिए दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ नौ फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हैं अब यहाँ पर देखिए एक ये एक्स्ट्रा फंदा है तो इसे हम बंद कर देंगे देखिए एक इस सिलाई का एक इस सिलाई का दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे इन फंदों को उतारने के बाद में इस फंदे के ऊपर से इस फंदे को निकाल देंगे अब ये वाला जो फंदा है तो यहाँ पर अब हम देखिए ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं इन्हें हम छोड़ देंगे और इस फंदे को हम इस फंदे से दो फंदे का एक कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से अब ये सभी फंदे बंद हो चुके हैं अब यहाँ पर देखिए नेक के जो फंदे हैं उन्हें हमें बंद करना है तो इस साइड में हम बाईस फंदे छोड़ देंगे दो दो चार दो छः दो आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये बाईस फंदे छोड़ देंगे और इतने फंदे बंद कर लेंगे तो देखिएगा हमारे कितने फंदे हैं आपके जितने भी फंदे हैं नेक पर उतने आप बंद कर लीजिएगा फंदे आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस यहाँ पर तेईस फंदे हैं इस साइड में बंद करने के लिए तो हम इन फंदों को बंद कर लेते हैं ये देखिए ये सिलाई अगर इस तरह से निकालनी है तो निकाल के आप इस तरीके से अगर आपके पास ये होल्डर है तो आप इस तरह से इन फंदों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं अब देखिएगा इन फंदों को हम बंद करेंगे ये बीच के तेईस फंदे हैं और इस वाले फंदे को हम लूज़ रखेंगे देखिएगा इतना ढीला फंदा है और इस ढीले फंदे से ही हम इन्हें बंद करेंगे नेक पर कोई भी फंदा खिंचाव वाला नहीं होना चाहिए तो देखिए इन दो फंदे का हम एक फंदा करते हुए बंद कर देंगे ये देखिए इस तरीके से अगर ये राइट साइड के देखिए ये राइट साइड है और ये सलाई हम इस तरफ को बुन रहे हैं उल्टी तो अगर आपको इस तरह से नहीं बुनना है तो देखिएगा ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी फंदे हमने ओपन कर लिए हैं अब ये वाला जो धागा है हम इस साइड में लेकर जाएंगे इस तरीके से अब इन फंदों को हम बैक साइड से भी बंद कर सकते हैं देखिए बैक साइड से सिलाई डालेंगे ये देखिएगा बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे अब इस फंदे को आप बुन सकते हैं और इसके ऊपर से इस फंदे को निकाल सकते हैं इस फंदे को थोड़ा लूज रखिएगा एक फंदा बुने और इस फंदे के ऊपर से इसे निकाल दीजिएगा इस तरीके से ये देखिए इस तरह आपके ये फंदे खिंचाव वाले नहीं होने चाहिए तो हम यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा ही करेंगे देखिए इस तरह से लेंगे तो इसमें हमारा जो ये फंदा है थोड़ा लूज हो जाता है तो इसी तरीके से हम तेईस फंदों को बंद कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये नेक के सभी फंदे हमने इस तरह से बंद करके कंप्लीट कर लिए हैं देखिए काफ़ी लूज हैं इस तरह से ये देखिएगा इस तरह और यहाँ पर हमारे बाईस फंदे हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह यानी बाईस फंदे हमारे इस साइड में हैं और यहाँ पर हमने बाईस फंदे बंद कर दिए हैं बीच में हमने तेईस फंदे यानी ट्वेंटी थ्री फंदे बंद किए हैं अब देखिएगा फ्रेंड्स इस साइड में इस पार्ट को हमें इस तरह से रख के जोड़ना है तो ये हमारी उल्टी सिलाई पड़ रही है इसे हम सीधी कर लेंगे और यहाँ पर हम इस वाली बटन पट्टी को इस साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सीधे फंदे पर सीधा फंदा उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे पहले इसे जितनी ये नेक की लंबाई है उतनी ये बटन पट्टी हमें बना लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस बटन पट्टी को बनाकर कंप्लीट कर लिया है जितने नेक में हमने फंदे बंद किए हैं तो देखिए इस सिलाई के बराबर में हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये हमने बटन पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया अब इस बटन पट्टी को हम सिलाई करेंगे तो देखिए इस तरह से रखेंगे और उल्टी साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो देखिए ये हमने सुई में धागा डाल लिया है अब यहाँ पर हम इस धागे को यहाँ पर अटैच कर देंगे देखिए फ्रेंड्स ये रॉन्ग साइड में हमने इसे अटैच कर दिया है अब राइट right साइड से इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे आप चाहें तो रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं तो ये देखिएगा एक धागा हम इस साइड से ये वाला उठाएंगे और इस साइड का जो ये वाला धागा है इस तरह से उठा कर हम इस तरह से इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे ये देखिएगा इस तरह से कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है कि सिलाई दिखे नहीं तो मैं इसी तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए इस तरह से और इस धागे को आपको खींचना नहीं है ढीला रखना है तो इसी तरह से हम इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से ये बटन पट्टी को नेक की साइड में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है ये देखिएगा इस तरीके से और ये बैक साइड में कुछ तो इस तरीके से आएगी अब यहाँ पर देखिए ये जो फंदे हैं मैंने इस सिलाई में लेकर ही इसकी सिलाई की है ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इस सिलाई में करने के बाद में ये बराबर हो जाते हैं और बराबर में आने के बाद में इसकी हम सिलाई आसानी से कर सकते हैं तो इसकी सिलाई हमने इस लगा कर कम्प्लीट कर ली है अब देखिएगा इस धागे को जो सुई वाला धागा है इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर इन वाले फंदों से इस पार्ट को जोड़ना शुरू करेंगे तो देखिएगा इस तरीके से हम रखेंगे ये बटन पट्टी है और ये नेक की साइड की बटन पट्टी है तो ये वाले नाइन फंदे और ये वाले नाइन फंदे हम इनको एक साथ बंद करेंगे और जो ये बाईस फंदे हैं और ये बैक पार्ट के बाईस फंदे हैं तो इनको हम इस तरीके से बंद करेंगे ये देखिएगा ये दोनों सिलाई हमने एक साथ रख ली हैं ये बैक पार्ट में धागा है और यहाँ पर हम इन फंदों को दो फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से यहाँ पर मैं एट नंबर के नीडल लगा लेती हूँ जिससे मैं बुनाई कर रही हूँ अब देखिएगा इस साइड का एक फंदा लेंगे इस सिलाई का और इस सिलाई का दो फंदे लेंगे दो का एक करेंगे और इस फंदे को हम देखिएगा पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे फिर से एक सिलाई एक इस सिलाई का फंदा एक इस सिलाई का फंदा दो फंदे का एक फंदा करते हुए इन फंदों को हम बंद कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स तो ये नाइन फंदे बटन पट्टी के बंद हो चुके हैं ये देखिएगा इस साइड में अब यहाँ पर हम जो ये इस साइड में बाईस फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से दो फंदे का एक फंदा करते हुए इन्हें भी हम बंद कर लेंगे जिस तरह से मैंने उस साइड में बताया था उसी तरीके से आपको इस साइड में दो फंदे का एक फंदा करते हुए और ये बैक साइड के फंदे को इसके ऊपर से निकालते हुए कंप्लीट कर लेना है और देखिएगा ये जो सुई है तो यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा गैप हो गया है क्योंकि ये वाला धागा इस साइड में है तो यहाँ पर हम इसी वाले ये सुई के धागे से इसे इस तरह से सिलाई लगा के पूरा कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन फंदों को बंद करके कंप्लीट कर लिया है अब देखिए ये केवल एक फंदा है और इसमें हम इस ऊल को तो इस तरह से निकाल के एक अच्छी सी नॉट लगाएंगे और इसे कट करके कंप्लीट कर लेंगे देखिए ये दो धागे यहाँ पर हैं तो इन्हें हम इस तरह से कट करके यहाँ पर एक अच्छी से नॉट लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है यहाँ से मैंने शुरुआत की है ये देखिएगा तो इस साइड में बटन पट्टी में कोई भी जोड़ नहीं आया है लेकिन इस साइड में हमने इन बटन पट्टी को देखिए ये फंदे बंद किए हैं तो यहाँ पर एक सिलाई आ जाएगी ये देखिएगा तो इस तरह से ये हमारा और देखिए ये फंदे जो सिलाई से हमने बंद किए हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है अब इसकी इस ब्लाउज़ की हमें आस्तीन बनानी है तो मैं शुरू कर लेती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स स्लिप बनाने के लिए हमने थर्टी एट फंदे ले लिए हैं यानी अड़तीस फंदे हमारी सिलाई में हैं तो इन्हें मैं सीधी साइड से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा जिस तरह से मैंने आपको बॉर्डर बनाना बताया उसी तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे बीस सिलाई तो ये देखिए फ्रेंड्स बीस सिलाई में ये बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है अब इसके ऊपर हम सीधी और उल्टी सिलाई बनाएंगे जिस तरह से पूरे स्वेटर को बनाया है तो यहाँ से अब हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे ये बीस सिलाई का बॉर्डर है अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से बॉर्डर बनाने के ये बाद ये पहली सिलाई है जिसे हम सीधा बुनेंगे तो इसी सिलाई में हम फंदों को बढ़ा लेंगे तो यहाँ इस साइड में हम पाँच से छः फंदे बुनकर इस साइड में छोड़ेंगे और इसके बाद में हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे किनारी साइड में फंदे बढ़ाने से ये साइड बढ़ जाती है तो बीच में हमें फंदे बढ़ाने चाहिए थे देखिए इतने फंदे हमने बुनने के बाद में अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स ये जो सीधा फंदा है इसका एक ये लूप उठाएंगे और इसे हम सीधा बुन देंगे इस तरह से ये हमने सीधे बुन लिए एक फंदा यहाँ पर बढ़ चुका है इसी तरह से हम बीच बीच में इसमें फंदे बढ़ा लेते हैं अब देखिए ये दूसरा फंदा हम बढ़ाएंगे तो ये सीधे वाले फंदे पर इस तरह से इस लूप को उठाएंगे और एक फंदा सीधा ये बुनेंगे और जो ये वाला फंदा है इसे बुन लेंगे तो ये जो पहले लूप उठाकर फंदा हमने बुना ये फंदा बढ़ चुका है पूरी सलाई में हमने सेवन फंदे बढ़ाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पर हम चार सिलाई चार से पांच सिलाई बुनेंगे अब यहाँ पर हमने सीधी और उल्टी पांच सलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है जिस सलाई में हमने फंदे बढ़ाए हैं उस सलाई को छोड़ने के बाद में रॉन्ग साइड की राइट साइड की रॉन्ग साइड की राइट साइड की रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है अब यह आती है हमारी राइट साइड की सिक्स रो तो यहाँ पर अब हम फंदे बढ़ाएंगे साइड में तो देखिएगा और इसमें इस तरह से फंदे बढ़ेंगे कि कोई भी जाली नहीं पड़ेगी पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे अब जो ये सीधा फंदा है इसे हम इस तरह से उठाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में हर सिक्स या सेवन सिलाई में आपको इन फंदों को बढ़ाना ही बढ़ाना है तो आप यहाँ से जिस सिलाई में आपने फंदा बढ़ाया है इस सिलाई में आप मार्क लगा सकते हैं ताकि आप काउंट कर सकें कितनी कि सिलाई आपने बुन ली है तो मैं इसी तरह से बुन के लास्ट में चलूँगी और लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लूँगी इसी तरीके से आपको हर सिक्स सलाई में यानी पांच सलाई बुनने के बाद में जो सिक्स सलाई आएगी छठवीं सलाई उसमें आपको एक फंदा बढ़ा लेना है दोनों साइड में इसी तरह से ये स्लीप बननी शुरू हो जाएगी और लास्ट तक आपको इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए चलना है तो मैं इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर, कर लूँगी फिर मैं आपको इसकी जो घटाई है जिस तरह से मैंने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के आर्म होल की घटाई की है उसी तरह से इसमें घटाई करने के बाद में सभी फंदों को बंद कर दूँगी तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर, कर लिया है ये लास्ट का फंदा है इससे पहले हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इस तरीके से बुन लेंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ चुका है अब इसे हम इस तरह से बुनेंगे अब यहाँ पर हम पांच सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे जो छठवीं सिलाई आएगी उसमें हम एक फंदा इस साइड में एक फंदा इस साइड में बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से मैं पूरी स्लिप को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स स्लिप की जो लंबाई है वो मैंने इतनी बनाकर कंप्लीट कर ली है मैंने इसमें कोई भी खिंचाव नहीं दिया है ये देखिए इस तरह से नॉर्मल मैंने इस तरह से रख दिया है अब इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको एक बार माप के दिखा देती हूँ तो देखिए ये सिलाई के नीचे से इस तरह से रखेंगे और ये देखिएगा लंबाई के हिसाब से ही ये बनेगी कम या ज़्यादा हो सकती है तो ये देखिए साढ़े बीस इंच की जो लंबाई है वो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब यहाँ पर हम इसकी घटाई करेंगे दोनों साइड में इस साइड में भी और इस साइड में जिस तरह से बैक पार्ट में करते हैं और देखिएगा फ्रेंड्स अब यहाँ पर सिलाई में जितने फंदे मैंने यहाँ बॉर्डर में रखे हैं उसका डबल फंदा यहाँ पर हो चुका है यानी कि यहाँ पर मैंने थर्टी एट यानी अड़तीस फंदे डाले हुए थे बॉर्डर में तो यहाँ पर अड़तीस प्लस अड़तीस इतने फंदे हो चुके हैं तो यहाँ पर सेवेंटी सिक्स फंदे हो चुके हैं यानी छिहत्तर फंदे तो देखिएगा फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इनकी घटाई करना शुरू करेंगे तो देखिए दोनों साइड में हम नाइन नाइन फंदे घटाएंगे तो देखिएगा ये हमारी सीधी की साइड की सलाई है एक दो दो फंदे हमने बुन लिए इस फंदे को हम पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे यहाँ पर हम पांच फंदे बंद करेंगे एक दो तीन चार पाँच ये देखिएगा पांच फंदे हमने इस साइड में बंद कर दिए हैं अब ये पूरी सिलाई हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरह से सीधी सीधी पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में तो रॉन्ग साइड की सिलाई में भी हम पांच फंदे बंद करेंगे तो ये देखिएगा इस तरह से देखिए एक दो दो फंदे बुनने के बाद में बैक जो फंदा है उसे हम निकाल देंगे जो पहला फंदा बुना था अब देखिएगा एक फंदा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे ये देखिएगा दो तीन, चार पांच इस तरह से हमें पांच फंदे इस साइड में भी बंद कर देने अब ये पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली। अब जो ये लास्ट का फंदा है इसे हम बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे अब देखिएगा फिर से हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे इस तरह से तो इसमें बहुत ही अच्छी साइड में फिनिशिंग आएगी ये देखिए इस फंदे को हमने उतार दिया अब तीन फंदे में बंद करने हैं एक फंदा हमने बंद कर दिया है दो तीन इस तरह से फंदे हमने बंद कर दिए तीन फंदे अब ये पूरी सिलाई हमें बनाकर कंप्लीट कर लेनी है लास्ट का जो फंदा है बिना बुने उतार लेना है और इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेना है ये राइट साइड की तीसरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली अब देखिए इस लास्ट वाले पंदे को बिना बुने उतार लेंगे अब जहाँ से हमने फंदे घटाए हैं वो ये हमारी रॉन्ग साइड की फोर रो है तो देखिएगा इस फंदे को हम फिर से बुनेंगे और इस वाले फंदे को जो पीछे का फंदा है इसके ऊपर से निकाल देंगे एक फंदा बंद हो गया दो तीन तीन फंदे बंद करने के बाद में इस पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे ये रॉन्ग साइड की फोर रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे अब देखिएगा इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे और ये वाला फंदा बुनकर इस फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे अब यहाँ पर हमें एक फंदा बंद करना है तो एक फंदा हमने बंद कर लिया अब ये पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स पहले पांच तीन और एक की हमने यहाँ पर घटाई कर ली है और इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में की हुई है ये देखिए फ्रेंड्स राइट साइड की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली कर लिए लास्ट का फंदा हम स्लिप करेंगे और इस साइड में देखिए इस फंदे को स्लिप करने के बाद में एक फंदा हम यहाँ पर बंद करेंगे इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे अब ये पूरी सिलाई हमें बनाकर कंप्लीट कर लेनी है तो रॉन्ग साइड की, की तीन सिलाई में इस साइड में फंदे घटाए हैं और राइट साइड की तीन सिलाई में इस साइड में फंदे घटाए हैं तो टोटल हमारी छः सिलाई में ये फंदे घटकर कम्प्लीट हो चुके हैं अब हम राइट साइड से फंदे बंद करना शुरू करेंगे अगर आप चाहें तो इस साइड से भी फंदे बंद करना शुरू कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है राइट साइड से हम इन फंदों को बंद करना शुरू करेंगे तो देखिएगा देखिए इस तरह से हम इस फंदे को बुनेंगे दूसरे फंदे को बुनेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से बहुत ही लूज़ इन फंदों को बंद करना है अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इन फंदों को बंद कर सकते हैं देखिए ये दो फंदे लेंगे और इस तरह से देखिएगा इन दोनों फंदों को लेते हुए दो का एक करते हुए इन फंदों को बंद कर सकते हैं या आप एक एक फंदा इस तरह से बुनिएगा और इस तरह से लूज लूज़ फंदे लेते हुए इन फंदों को उतार लेती हूँ पूरा फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दो फंदे बचे हैं लास्ट के तो इन्हें हम दो का एक करने के बाद में ये देखिएगा इस फंदे को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और ये धागा जो है इसके अंदर से निकालने के बाद में एक अच्छी से नॉट लगाकर इस धागे को कट कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है तो आप इस धागे को बड़ा भी कट कर सकते हैं तो ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से ये इसकी जो फिनिशिंग है वो आपको दिखा देते हैं ये देखिएगा इस साइड में देखिएगा ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया है इस साइड में ये देखिएगा सीधे इस तरह से और इस साइड में भी आपको इसी तरह से दिखेगा ये देखिएगा और जो ये सभी फंदे हमने इस तरह से उतार कर तैयार किए हैं तो इसे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों आस्तीन हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं अब हम इस स्वेटर की सिलाई लगाना शुरू करेंगे ये देखिएगा मैंने ये शोल्डर जोड़ आपको बताए हैं और इसके बाद में हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे देखिए ये जो शोल्डर की कटिंग है ये है और जो नेक है वो यहाँ पर है तो एक आस्तीन हम इस तरह से उठाएंगे और जब हम यहाँ पर हमने फंदे बंद किए हैं तो ये धागा थोड़ा हमने बड़ा कट किया है ताकि हम इसकी सिलाई लगा सकें सुई में धागा इस तरह से डाल लेंगे और देखिए फ्रेंड्स अगर आप सीधी साइड से सिलाई लगाना जानते हैं तो आप सीधी साइड से सिलाई लगा सकते हैं या आप इस तरह से फोल्ड कीजिएगा और देखिए यहाँ पर ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है सीधी साइड को सीधी साइड से मिलाते हुए और जो ये है यहाँ पर देखिएगा इसकी जो बीच की गैप आएगा देखिए यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे और जो इसका बीच है इसे हम यहाँ पर शोल्डर जहाँ पर हमने जोड़े हैं इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे या फिर देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी मार्क है या अगर आपके पास ये वाले मार्क नहीं है तो आप सेफ्टी पन का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ से मैंने आरमोल की कटिंग करना शुरू किया है ये फ्रंट पार्ट है और ये है जो स्लीव मैंने बनाई है यहाँ पर भी हमने आरमोल की कटिंग की है तो देखिएगा इनको हम यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से अब यहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है तो यहाँ पर हम एक मार्क इस तरह से लगा देंगे जिस तरह से सेफ्टी पिन को लगाते हैं इस तरह से दोनों में हमने स्टिच किया हुआ है अब इसको हम इस साइड में भी स्टिच करेंगे ये बैक पार्ट है और ये स्लीप की दूसरी साइड है तो यहाँ पर देखिएगा इसे हम यहाँ से पकड़ेंगे इस साइड से बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं फ्रेंड्स इससे आपको किसी भी साइड में एक्स्ट्रा खींचकर सिलाई नहीं लगाने की ज़रूरत होगी ये देखिएगा इस तरह से ये होल की कटिंग यहाँ से दोनों में शुरू हुई है और इस तरह से देखिएगा इसे हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे अभी इस साइड में इस साइड में निश्चित हो गया है अब बीच में देखिएगा इस तरह से पकड़ेंगे और जो इसका बीच होगा वहाँ पर हम इस तरह से एक मार्क और लगा देंगे अब आप किसी भी साइड से सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं और ये आपका बराबर सिलेगा किसी भी साइड में कम या ज़्यादा होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी देखिएगा ये पिन मैंने इस तरह से लगा दिए हैं आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स इस साइड में धागा है और यहाँ से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से आप सिलाई जिस तरह से आपको आती है उस तरह से सिलाई लगाकर कर कर लीजिएगा आप यहाँ पर बखिया वाली सिलाई भी लगा सकते हैं ये आपको जिस तरह की सिलाई आती है आप सिलाई लगाकर कर कर लीजिएगा तो ये देखिए फ्रेंड लेती हूँ फिर मैं ये सिलाई लगाकर लगा मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है ये देखिएगा पूरी इस तरह से सिलाई लगाना है और अब हम इसे इस तरह से ये राइट साइड में है अब इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से पलटते हुए देखिएगा यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है मॉल के पास में ये देखिएगा यहाँ पर हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से और फिर हम ये ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट इस तरह से सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे और यहाँ पर हम एंड कर देंगे या आप इस साइड से सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है यहाँ से भी सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा चाहे आप इस साइड से सिलाई लगाएं या आप इस साइड से सिलाई लगाएं सिलाई इस तरह से लगाते हुए ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए और इस तरह से फिर से यहाँ पर सिलाई लगा लीजिएगा दोनों साइड में आपको इसी तरह से सिलाई लगाकर कम्प्लीट कर लेना है और यहाँ पर मैं बटन भी लगा कर कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसे पूरा दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ब्लाउज बनकर कम्प्लीट हुआ है ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बटन लगाकर भी और पूरी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये ब्लाउज जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा आप किसी भी उम्र के लेडीज़ के लिए ये ब्लाउज़ बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं वी सेप का नेक बनाया है तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है कोई भी झोल नहीं है और बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हुआ है मैंने इसमें पांच बटन लगाए हुए हैं क्योंकि मैंने पाँच बटन होल कट किए हैं इसमें और देखिए ये आस्तीन हमारी इस तरह की फिटिंग में आई हुई है तो फ्रेंड्स ये लेडीज़ का फुल आस्तीन का ब्लाउज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है टाइम भी लग जाता है चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद